हिमाचल के कांगड़ा जिले में गुरुवार को भारी बारिश और पानी के तेज बहाव के चलते 44 साल पुराना एक पुल बह गया। हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल फोन से एक वीडियो बनाया है जिसमें 160 मीटर लंबे इस पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी की तेज धार में बहता दिख रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि इस हादसे में पुल के 10 पिलर और 76 मीटर का हिस्सा पानी में बह गया। यह पुल हिमाचल के नूरपुर तहसील को पड़ोसी राज्य पंजाब से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर बना था। इस पर वाहनों की भारी आवाजाही रहा करती थी। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से इस हादसे में किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। बुधवार को ही पुल के पिलरों में दरार देखी गई थी जिसके बाद प्रशासन ने यातायात पर रोक लगा दी थी। तो पुल गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। 10 दिन पहले महाराष्ट्र में मुंबई गोवा हाईवे पर बना पुल ढह गया था। इस हादसे में कई बसें नदी में बह गई थी। हादसे के शिकार 28 लोगों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं जबकि 16 लोग अभी भी लापता हैं। देखते रहिए डीपी लाइव।